झारखंड में 1 सितंबर से बस का परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार बस मालिक आपसे दोगुना किराया वसूलेंगे और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जमशेदपुर बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभात ने। राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितंबर से अंतर राज्य बस सेवा शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि 14 जिलों में जो बस ऑनर एसोसिएशन है वो उन लोगों ने बैठक की है। बैठक कर आज जो परिवहन सचिव उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बस जब कल से चालू होगी तो सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को पालन करना है, उसे मास्क देना है, सैनिटाइज करना है बस को, साथ ही साथ जो बस के भाड़े हैं उसको लेकर इन लोगों की बैठक हुई है कल। और बस का भाड़ा अगर मान लीजिए, अगर आप जमशेदपुर से रांची जाते हैं तो 250 रुपये पहले एसी बस का लगता था और नॉर्मल बस का 150 रुपये लगता था, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि एक सीट में एक पैसेंजर बैठेगा, क्योंकि दूसरे सीट के पैसेंजर को ही जो है भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो बस ऑनर एसोसिएशन है उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा भार बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना काल का पहले ये डीजल की कीमत बहुत कम थी, लेकिन अब डीजल की कीमत 14 रुपये के से ज्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं बस मालिकों को पर भी इसका बोझ पड़ेगा। बस के कंडक्टर है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि आप थोड़ा इधर आ जाएं कि आप लोगों के जो बस ऑनर एसोसिएशन जो है मालिक हैं वो कल से बस चलाने की बात कर रहे हैं, तो कल से बस जो चलेगी उसमें किस तरीके से क्या नॉर्म्स आप लोगों ने फॉलो कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया उसको कैसे फॉलो कीजिएगा और क्या निर्णय ले रहे हैं? सरकार तरफ से गाइडलाइन जो मिला गया सैनिटाइज करने के लिए गाड़ी को, स्टार्टर से जब गाड़ी खुलेगी तो सैनिटाइज करके निकलेगी, फिर रांची जब पहुंचेगी फिर वहां से छूटेगी, वहां से सैनिटाइज करके गाड़ी चलेगी। ऑन एसोसिएशन और सरकार तरफ से बैठक हो रही है, इसमें भाड़ा के लिए तय हो रही है कि भाड़ा में कैसे क्या किया जाएगा, इसलिए कि आम पब्लिक पर भी बोझ पड़ने वाली है और गाड़ी के तेल की कीमत कुछ बढ़ चुकी है, इसकी वजह से इसमें निर्णय लिया जा रहा है। अब ये देखना है कि आज की जो बैठक है परिवहन सचिव के साथ में क्या निर्णय निकल कर आता है, या बस भाड़ा थोड़ा कम होता है या फिर दुगना होता है, ये निर्णय आज बस एसोसिएशन और जो परिवहन सचिव उनके साथ रांची में बैठक है। बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कल से किस तरीके से बस चलेगा। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर।